मीर साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि नया बच्चा जो शायरी में आ रहा है, रिसाई शायरी में, मनकबत सलाम नौहा, उसको आप अभी क्या तजवीज़ करेंगे कि पहले इब्तदाई तौर पर उसे क्या क्या ज़रूरी है उसके लिए? ये देखिए, सबसे पहले ये ज़रूरी है मुताला, और वो भी असातिज़ा का, मीर अली असातिज़ा सभी, ये जो सिलसिले हैं इनका मुताला पे इंतहा ज़रूरी, क्योंकि पता तो चले कि रिसाई अदब होता क्या है। सही। आज तो रिसाई अदब के नाम पे जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है, तो अगर बच्चे को इससे महफूज रखना चाहते हैं तो ये हमारा मुताला जो है ना वो मेन का होता है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपको कोई शेर याद नहीं रहेंगे, तो कुछ नहीं। और इसमें ये कैद नहीं होनी चाहिए, मतलब ये चूंकि रिसा लिखना है आपको, वो एक अलग मसला होता है, मगर गजल बुनियादी होती है कोई चीज़ भी आपको लिखने के लिए, उसके मिसरे बहुत काम करते हैं। तो जब तक आप गजल नहीं समझेंगे ना, आप मिसरे में अच्छी वो नहीं ला सकते। क्या आप ये ज़रूरी समझते हैं कि मनकबत कहने से पहले गज़ल कहना ज़रूरी है नहीं, एक नौजवान कहना शायर तो के लिए? ज़रूरी अपने तौर पे, ज़रूर आप महफिलों में ना पढ़ें, मगर अपने तौर पे कहना चाहिए आपको, कहना चाहिए। क्योंकि मिसरा आपको लिखना आ जाएगा। गज़ल लिखेंगे ना, वो आपको सिखा देगी कि मिसरा कैसा लिखा जाए। उसी मिसरे की टेक पे आप फिर मनकबत में काम करेंगे। सही और चूंकि अक्सर जी। शोरा को आप देखते होंगे कि उनकी मनकबतों में भी गदर का रंग होता जी है ना, और वो अपील भी करता है थोड़ा थोड़ा, ये ज़रूरी है। मेरा अपने एक नज़रिया यह है कि ज़्यादा ना लिखें, मतलब लिखना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि एक उस्ताद की रहनुमाई के बगैर अच्छी शायरी करना मुमकिन है, या से मुताले के बुनियाद पर ही हाँ, कोई मतलब ये कि बड़ा शायर पैदा इसके होता थोड़ी कम परसेंटेज है, समझिए आप। ये अगर खुदा का सलाहियत उसमें है तो मुताले से भी ये काम कर ले सकता है। सही। उसके लिए अब उस्ताद इसलिए ज़रूरी होता है कि थोड़ा बहुत उर्दू से वाकिफ होना तो वो भी ज़रूरी होता है, उसके लिए उस्ताद तो चाहिए होता है। बात के बगैर तो हर दौर थोड़ा है, कोई ना कोई हो ऐसा उस्ताद। इस माना में नहीं कि मतलब आप सादा कागज़ दें और उसे उछला करके लें, ऐसा उस्ताद नहीं चाहिए। सही। आप ही का लिखा हुआ जो है उस पर वो आपको समझाए कि भाई यहाँ ये है, यहाँ ये है, वो तो सही है। नहीं, आपका मिसरा काट के अगर मैं अपना मिसरा लिख के दूँ तो ये नहीं, गलत है। मैं इसको वो नहीं, उसको उस्ताद नहीं समझता। सही तरबियत जो है वो इस तरह नहीं होती, बच्चे की तरबियत करना है ना आपको, तो जी। ये उसमें ये रोक रखना पड़ेगा। मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने शुक्रिया, ख्यालात का इजहार किया और चलिए नौजवानों ऐसा को मीर साहब, आपको मुफीद। वो चीनी चाहिए मीर साहब? ना ना।